अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां चुनाव प्रचार के दौरान हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं उम्मीदवार, कहां ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गई बुजुर्ग महिला, देवदूत बनकर आया पुलिसकर्मी, और कहां कुत्ते और कुतिया की कराई गई अनोखी शादी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से आई अनोखी खबर के साथ, क्योंकि यहां चुनाव प्रचार के दौरान भी अजब गजब नजारा देखने को मिला। अब इस महाशय को ही देख लीजिए, हेलमेट पहनकर चुनाव प्रचार करने निकले ये है विदिशा के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार मनोज खींची। मनोज खींची हेलमेट पहनकर अपने वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें धमकी दी गई है कि अगर चुनाव प्रचार करने आए तो इन्हें जूतों से मारेंगे। बस फिर क्या था, जूते सर पर ना पड़े इसके लिए खींची ने हेलमेट पहन लिया। इतना ही नहीं, मनोज खींची ने अपने समर्थकों को भी हेलमेट खरीद के दिया है ताकि वो भी जूतों से बचे रहें। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां जाबाज रेलवे पुलिसकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर बुजुर्ग महिला की जान बचाई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ये तेज रफ्तार ट्रेन बुजुर्ग महिला को कुचल देती। जानकारी के मुताबिक घटना ललितपुर रेलवे स्टेशन की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अपनी सूझबूझ से पुलिसकर्मी रेलवे ट्रैक से बुजुर्ग महिला को खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आता है, तब वहां से तेज रफ्तार ट्रेन गुजरती है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर चंद सेकंड की भी देरी हो जाती तो बुजुर्ग महिला तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ जाती और इससे उसकी मौत भी हो सकती थी। तीसरी अनोखी खबर बिहार से है। बिहार के मोतिहारी में अनोखी शादी का भव्य आयोजन हुआ है, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। ये शादी मोतिहारी जिले के मजराहा गांव में हुई है। बैंड बाजा बारात के साथ सैकड़ों बारातियों ने खूब मस्ती की है। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा मटकोर व हल्दी की रस्म के साथ वो सभी चीजें इस शादी में हुई हैं जो कि एक हिंदू की शादी में होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये किसी इंसान की शादी में नहीं बल्कि एक कुत्ते और कुतिया की शादी में हो रहा है। शादी में बाकायदा खाना भी बनाया गया था और पूरी साज सजावट के साथ बैंड बाजे और डीजे की भी व्यवस्था की गई थी। डीजे पर लोग खूब नाच भी रहे थे। इतना ही नहीं, कुत्ते और कुतिया की शादी में करीब 300 से 400 लोगों के लिए खाने का इंतजाम था। वहीं जब हमने इस अजब गजब शादी को लेकर ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की शादी भी अपने जीवन काल में वो पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।